एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। काव्या सो रही है, अनुष्का कोचिंग गई है और बस काम चल रहा है धीरे 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 करके। काम मेरा ना खिंच गया है। तो आप सब लोग कैसे हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है ब्लॉग में लास्ट तक बने रहा करें। ब्लॉग अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और आज है लास्ट, सबसे लास्ट श्राद्ध मावस का, से लास्ट वाला श्राद्ध मावस है आज। और कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो बस पूजा पाठ शुरू हो गई है। बहुत सारे कपड़े वॉश करना है। कल जो रूम क्लीनिंग करा था तो बेडशीट, सोफे के कवर और सब निकाल दिए मैंने वॉश करने के लिए, तो बस उन्हीं को आज वॉश करूँगी। और साथ में खाने की तैयारी भी करनी है, तो टमाटर की चटनी बनाऊँगी और साथ में चपाती बनाऊँगी। मशीन लगाई थी लेकिन मशीन में प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी आगे ब्लॉग में, तो देखते रहिए यह ब्लॉग। ढोलक के बताएगी आज मावस है ना, और शादी मावस से लास्ट श्राद्ध है आज, तो बस ऐसे चलेगा। तो बस यहाँ पर मैं खाने से फ्री हो जाती हूँ। अगर खाने से फ्री हो गए ना, लंच और डिनर बन जाता ना, तो बहुत बड़े काम हो जाते हैं। और उसके बाद जो काम रहते हैं वो तो छोटे मोटे काम ही होते हैं। सबसे बड़ा काम तो यही रहता है हम हाउसवाइफ के लिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है कि लंच और डिनर टाइम से बन जाए, बच्चे और हस्बैंड को टाइम से खाना मिल जाए। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी तो बना ली थी और यहाँ रोटी ही बना देती हूँ, क्योंकि कपड़े के पीछे आज का जो काम है ना मेरा पूरा डिस्टर्ब हो गया। मशीन ने पूरा काम बिगाड़ दिया मेरा। और लेकिन एक हाउसवाइफ है ना, वो जुगाड़ लगाती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाती है ना कि उसका काम बन जाता है। हाउसवाइफ में दिमाग बहुत दिया भगवान ने ऐसे कामों के लिए, और मुझे तो शायद ज़्यादा ही दिया है। तो मैं बताऊंगी आपको कि मैंने क्या जुगाड़ लगाया, मैंने कैसे अपने मशीन को काम चलाओ ठीक कर लिया है। और आप लोग भी इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो बस पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ, काम से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर बस थोड़ी सी रोटी और बची मेरी। नहीं चल रहा है ना, लाइट चली गई है और चली नहीं है। और इसको जब वॉशिंग मशीन आपकी कभी ख़राब हो जाए, पानी मतलब जो नीचे का जो रिंग रहता है वो नहीं घूमता है, तो किस कारण से नहीं घूमता है, क्या प्रॉब्लम आती है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले ही मैंने वॉशिंग मशीन, आप घर में किस तरह से पानी ड्रेन हो रहा तो उसको किस तरह से रोक सकते हो, उसका भी मैंने अपलोड किया है वीडियो। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वीडियो लिस्ट में देख लीजिएगा, तो वहाँ पर पता चल जाएगा। मतलब एक हाउस वाइफ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो कोई काम में बिजी हो और इस तरह से वॉशिंग मशीन लगाइए कपड़े धोने के लिए, और इस तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो आप उसको घर में सॉल्व कर सकते हो। तो रिंग मैंने देखी थी, इस तरह की रिंग रहती है, उसमें मैं आपको बताऊंगी ये रिंग कहाँ रहती है और इसको किस तरह से लगाते हो और इसका क्या यूज़ है वॉशिंग मशीन में। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। ये रिंग देखिए इस तरह से फट गई है यहाँ से, तो इसको अब नई लानी पड़ेगी। अगर ये सही होती, फटती नहीं कहीं से, तो इसी को मैं लगा के और किस तरह से लगाते हैं तो चल जाती वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी तो देखती हूँ जाना होता है, कब तक जाना होता है मार्केट, तो मार्केट से रिंग लाके लगा के और फिर वॉशिंग मशीन ऑन करूँगी। अभी मैंने कपड़े भिगो दिए हैं ताकि कपड़ों का जो गंदगी वो फूल जाए और फटाफट से वो क्लीन हो जाए, क्योंकि अनुष्का को जब कोचिंग छोड़ने जाऊँगी ना तभी मेरा मार्केट जाना होगा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता पार करके जाना पड़ता है। ये जो मेन रास्ता है हमारा वो बंद है अभी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। अभी तो मैं किचन का पूरा काम निपटा लेती हूँ, खाना वाना सब हो चुका है, सबने लंच कर लिया है, वो साफ कर देती हूँ। और एक रेसिपी मुझे ट्राई करनी है, तो पहले उसमें बना के देखती हूँ, अगर पूरी प्रॉपर अच्छे से बन जाती है तो वो रेसिपी मेरे हाउ टू मेक बाय गायत्री पर अपलोड होगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम फटाफट, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो मोर धन से मैं फरहाली रेसिपी बनाऊंगी जो हाउ टू मेक बाय गायत्री पर अपलोड होगी, और अभी नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ।
तो बस उसके बाद में पूरा काम से फ्री होके और आ गई थी मैं पीछे बेडरूम में, और यहाँ पर मैं कुछ काम करने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही काम की, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही काम की चीज़ है ये तो, और टिप्स है समझ लीजिए, तो बहुत अच्छी जानकारी है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जो मेरी वॉशिंग मशीन है ना, उसकी रिंग है ना, ये मिली नहीं कहीं पे भी। बहुत जगह तलाश करी इन्होंने, उन्होंने बोला जहाँ मतलब जहाँ से वॉशिंग मशीन ली है ना, वहाँ कंपनी में आप फ़ोन करो तो वो आपको रिंग अवेलेबल करवा देंगे। और मैं और तलाश करूँगी, ये तो जहाँ दो तो दुकान देख आया है, लेकिन देखती हूँ मैं, और जहाँ से वॉशिंग मशीन ली ना वहाँ पर जाके बोलूँगी, तो अगर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर ठीक करवाने वाले को तो बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिश करूंगी, लेकिन अभी जो मेरा काम अटका हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल लिए थे और सोफे के कवर अवर और सब, ये तो जब पूरी तैयारी करते हैं ना कि हम लोग को हाथ से धोना है, तो वो पूरे अच्छे से धुल जाते हैं कि चलो टाइम पूरा डिसाइड करके रखते हैं हम लोग कि इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है। और मैं इस रिंग का वेट कर रही थी कि रिंग मिल जाएगी तो उसके बाद मैं लगा के और फिर वॉश कर लूँ कपड़े, लेकिन ये रिंग तो मिली नहीं है। तो मैं सोच रही इसको टेप से चिपका के और फिर इसको मैं मशीन को चला के और फिर देखती हूँ अगर चल जाती है तो, क्योंकि पहले मैं देखती हूँ एक्सपेरिमेंट करके, और अगर अच्छे से सब कुछ हो गया तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको। तो इसको मैं ना टेप से चिपका लेती, क्योंकि जिसका ये जो रबर का है ना ये टूट गया है, और जो पीछे सपोर्ट है ना ये जुड़ा हुआ लेदर का है, ये पता गाय का है, ये जॉइंट है। तो देखती हूँ करके, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बस यहाँ पर मैंने उठाया है टेप और इसको मैं बांध देती हूँ, टेप से अच्छे से चिपका देती हूँ। इनके पापा से मैंने बोला था कि आप उसको टेप से चिपका दो तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि अरे ऐसे कोई काम नहीं होता है, मशीन नहीं चलेगी। लेकिन मैं तो जुगाड़ू हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती हूँ, और मेरा काम अटका हुआ ना तो फिर मैं है ना उस काम को, जब तक मेरा काम फिनिश नहीं होता तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो अब मैं इतने सारे कपड़े हाथों से तो धोने से, 2-2.5 बाल्टी कपड़े हैं, कवर अवर सब बहुत सारे कपड़े हैं। तो अगर मेरे पास टाइम पहले से होता ना तो मैं वॉश कर लेती, लेकिन टाइम निकल गया है, शाम का समय हो रहा है, और कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तो बस ये देखिए हाउसवाइफ का, कुछ ना कुछ कर ही लेती है, उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, एक हाउसवाइफ का दिमाग बहुत तेज़ चलता है। तो बस मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से टेप से चिपका लिया है, बहुत अच्छे से मैंने इसको लपेटा है, और काफ़ी अच्छे से लपेटने के बाद इस तरह से ये चिपक गया है और नहीं निकलेगा मेरा, मतलब आज का काम तो हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इस टेप की जिस तरह से बॉन्डिंग है ना, उस हिसाब से लग रहा है कि हाँ काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर चिपका लिया है इसको, चलिए इसको लगा के देखती हूँ। अभी तो मैं लगा के मेरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं आप लोग का शेयर नहीं कर सकती इस वाले काम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी पानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी पानी हो रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी पानी हो रहा है, सब दूर कपड़े पड़े हैं, सामान पड़ा है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी अभी, किसी दिन आपके साथ में फुल वीडियो शेयर करूँगी। चलिए चल रही है मशीन, अब मैं फटाफट धो लेती हूँ क्योंकि वो जॉइंट करा है। तो चलिए अभी तो चल गया मेरा काम, अभी तो काम हो गया मेरा, कहीं नहीं चली सवारी, और अभी फ़िलहाल तो मेरा काम हो गया है, और वो चल रही है मशीन, तो फटाफट कर लेती हूँ क्योंकि, और अभी फटाफट कपड़े धोती, खाने की तैयारी करनी है, अनुष्का आ जाएगी तो उसको खाना चाहिए रहेगा, तो इनके पापा लेने चल जाएंगे उसको तो, और कल फिर मैं चक्कर लगाऊंगी मशीन के लिए। तो चलिए काम करते करते आप लोगों से बात करूंगी, अगर हो सका तो शेयर करूंगी काम का, नहीं तो मैं अभी तो फटाफट कपड़े वॉश कर लेती हूँ।